नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक एडुकेट में। आप देख रहे हैं कक्षा 7 के अतीत से वर्तमान पाठ 4 मुगल साम्राज्य से संबंधित वीडियो। यह वीडियो जो है इस मुगल साम्राज्य पाठ की प्रश्न उत्तर के हेतु बनाया गया है। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिसमें पाठ में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य यानी वन लाइनर, उसके बाद पाठगत प्रश्नों को देखेंगे और फिर हम क्रमानुसार आपको अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आप छात्र हैं और यदि आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक अपने छात्रों को अवश्य कहें कि पाठ को विस्तार से जरूर पढ़ें। और छात्र यदि आप हैं तो आपको यह सुझाव है कि पाठ को विस्तार से अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास में और मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत बड़ा अंश और अंग है, और उसके बिना मध्यकालीन इतिहास, भारतीय मध्यकालीन इतिहास अधूरा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से पाठ को विश्लेषण के साथ आप तक जरूर पहुंचा दूंगा, एक अलग वीडियो के माध्यम से। मुगल साम्राज्य में हम लोग बाबर से लेके और औरंगजेब तक के कार्य अवधि को विस्तार रूप से इस पाठ में पढ़ेंगे। इसी बीच में बाबर ने कैसे इब्राहिम लोदी को हरा के 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में कैसे स्थापना किया, बाबर नामा ने अपने तुजुके बाबरी जो उसका आत्मकथा है उसमें भी कई सारी उल्लेख किया है। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के साथ शेरशाह, जिसका बहुत जिक्र इतिहास में, भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, उसका भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है और बिहार से बहुत बड़ा संबंध है। बिहार में बहुत सारे प्रगति और विकास के काम शेरशाह ने किया गया, क्योंकि वो विदेशी आक्रमणकारी तो था लेकिन शेरशाह को बहुत ही सम्मान के साथ भारत में और बिहार में देखा जाता है। शेरशाह के बहुत बड़ा योगदान आपको भारत में मिलता है, तो उसके बारे में भी जिक्र किया गया है कि उसे मुगल हरा नहीं पाए। चौसा और कन्नौज में लड़ाई हुई हुमायूं से, लेकिन वो हारा नहीं पाया, हुमायूं को ही हारना पड़ा। उसके बाद आपको अकबर के शासनकाल को मनसबदार, आमिर, जागीरदार, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको जहांगीर के न्याय प्रणाली के बारे में पढ़ने को मिलेगा, शाहजहां जिसने लाल किला, ताजमहल, इन सब चीज़ों को बताया। इसमें हम यह भी जानेंगे कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस युद्ध की जीत के बाद बताया। उसके बाद आते आते क्रम में हम औरंगजेब तक आएंगे। शासन में आप शाहजहाँ के चार बेटों में सबसे बड़े बेटों को उसने शासन दे दिया, दारा सिखों को, लेकिन औरंगजेब को ये पचा नहीं और औरंगजेब ने लड़ाई की और अपने भाई की हत्या करके उसने गद्दी पे शासन जमा लिया। और धीरे धीरे जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब एक अदूरदर्शी शासक था मुगलों में, और उसकी अदूरदर्शिता जो है ना मुगल साम्राज्य का कारण एक बना और पतन बना उसका अदूरदर्शिता, उसी के अदूरदर्शिता के चलते और शासकीय नीति के चलते आपको पतन शुरू हो गया उसकी मृत्यु के बाद। उस सारे बातों का उल्लेख इसमें किया गया है, आप इसको विस्तार से अवश्य पढ़ेंगे। नादिर शाह के आक्रमण को भी पढ़ेंगे तो आप उसको विस्तार से जरूर पढ़िएगा। आइए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य को पहले देखते हैं मुगल साम्राज्य के। पहला है कि बिहार में नूहानी अफगानों का शासन रहा। शेरशाह सूरी या शेर खां, जिसका मूल नाम क्या था, फरीद खां था, शेरशाह अफगानी था। बाबर कंधार और काबुल का शासक था, क्योंकि ये जाति से तुर्क था, मुगल जाति से तुर्क थे। भारत में तोप का उपयोग बाबर ने आरंभ किया। अब बाबर भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से आया। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर जीता था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। राणा सांगा चित्तौड़ के शासक थे, मेदनी राय चंदेरी के शासक थे। बाबर 1530 ईस्वी में मरा। बाबर का लड़का हुमायूं था। हुमायूं और शेरशाह का युद्ध चौसा और कन्नौज में हुआ, जिसमें शेरशाह जीता था। शेरशाह की उपाधि शेर खां को राजा बनने के बाद मिली, यानी उसने राजा बनने के बाद उसको धारण किया। आगे है, शेरशाह ने सड़कों के किनारे 8 किलोमीटर के अंतराल पर, यानी हर प्रत्येक 8 किलोमीटर पर लोगों और व्यापारियों के विश्राम के लिए सराय का निर्माण कराया। इसीलिए बहुत सारे नाम को आप देखते होंगे, उसमें सराय लगा होगा, बेगूसराय, मुगल सराय आदि इत्यादि। आइए आगे देखते हैं। हुमायूं का बेटा अकबर 13 साल की उम्र में 1556 में बादशाह बना। गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। अकबर के दरबारियों और अधिकारियों को अमीर कहा जाता था। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। अकबर के समय सरकार जिला को कहा जाता था और परगना प्रखंडों को। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम
टोडरमल था, हम सबने टोडरमल का नाम सुना है। अकबर 1605 में मरा। अकबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम तुझे के बाबरी है उसी ने लिखी। आत्मकथा आधे व्यक्ति स्वयं ही लिखता है। सुलह ए कुल नामक धार्मिक नीति अकबर ने अपनाई। दीने इलाही अकबर ने चलाया। अकबर का पुत्र जहांगीर था और जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध हुआ। जहांगीर की मृत्यु 1628 में हो गई। शाहजहां जहांगीर का बेटा था। ताजमहल का नाम का निर्माण शाहजहां ने कराया था। लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने बहुत सारे बड़े बड़े भवनों का निर्माण कराया है। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। तख्त ताऊस शाहजहां ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं अब हम पाठगत प्रश्नों को। पाठगत प्रश्न में क्या है, ये पाठ के अंदर देखिएगा ब्रैकेट में गोला बना के आपको बॉक्स में दिया रहता है, उस वही है। क्या है, इकाई 3 की तालिका 1 पर नजर डालिए और मानचित्र 4 को देखकर लोधियों के राज क्षेत्र को चिन्हित कीजिए। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, इकाई 3 यानी पाठ 3 में। आइए आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। लोधियों के राज के क्षेत्र थे, मैंने प्रमुख राज्यों का नाम यहाँ लिख दिया है, आप भी अपने से चाहे तो देख सकते हैं। बनारस, बिहार, अवध, बदायूं, कोल, दिल्ली, सरहिंद, मुल्तान, लाहौर, सिंध, नंदाना, कच्छ, राजकोट इत्यादि, आप उसको अपने से भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल बाद अफगान और मुगल संघर्षों के क्या कारण थे। तो अफगान और मुगल संघर्षों के कारण थे अपने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार और शेर खां द्वारा दिल्ली पर अधिकार, ये कारण थे उनके आपस की संघर्ष के। अगला प्रश्न है, क्या आप सल्तनतकालीन अमीर और मुगल काल अमीर में कोई अंतर देखते हैं, तो आइए उसके उत्तर को देखते हैं। क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर है सल्तनत काल में कुछ ऐसे अमीर बना दिए गए जो वास्तव में योग्य नहीं थे। सल्तनत काल में इस योग्य नहीं थे, वर्नी ने भी इसकी चर्चा की है अपने पुस्तक में। सल्तनत काल में अमीरों की संख्या कम थी, हालांकि इन्होंने भारतीय मुसलमानों को अमीर बनाया और कुछ हिंदू, जैन, अफगान और अरबों को अमीर बनाया, लेकिन उनकी संख्या नगण्य थी। आगे मुगलकालीन वाले को देखते हैं। अकबर के दरबार में 51 दरबारी अमीर के ओहदा पर थे, यही लोग शासन प्रशासन की देखरेख करते थे। इनमें अनेक अकबर के रिश्तेदार भी शामिल थे, इनको बड़ी बड़ी जागीरें दी गई थी, ये अपने को बादशाह के समकक्ष समझते थे। अकबर ने कुछ भारतीय मुसलमानों को अमीर बनाया और इसके कुछ अमीर ईरानी और तुरानी भी थे। हिंदुओं को भी इसने अमीरों से भी ऊँचे ओहदों पर रखा था। किसने, अकबर ने, बहुतों को नहीं रखा था, जो उसके सपोर्ट में रहते थे उसी को रखा था। अब देखिए आगे, अभी के अधिकारी और मुगलकालीन मनसबदारों में क्या कोई समानता है, आइए उसके उत्तर को जानते हैं। हाँ, कुछ हद तक समानता है, क्योंकि मुगलकालीन मनसबदार प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते थे, तो आधुनिक अधिकारी भी प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते हैं। कुछ मुगलकालीन मनसबदार जागीरदार भी कहलाते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है, सभी अधिकारी वेतन ही पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्या है, सही जोड़े बनाए। अब ये मिलान वाला है, आइए देखते हैं। अब देखिए मनसब क्या था, मनसब एक पद था। उसके बाद बैरम खां, बैरम खां का संबंध किससे था, अकबर से था, उनका सेनापति था, सारा काम तो बैरम खां ने ही किया। सूबेदार, सूबेदार क्या, गवर्नर के पद पे के बराबर सूबेदार का पद होता था। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था और महाराणा प्रताप का संबंध चित्तौड़ था। इस प्रकार ये मिलान का कार्य हुआ। आगे देखते हैं रिक्त स्थानों को भरे, इसको देखते हैं। पहले को देखते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और डैश के बीच में डैश में हुई, तो उत्तर क्या है, यहाँ इब्राहिम लोदी के बीच और 1526 में हुई। दूसरा प्रश्न, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक है तो सवार उसके डैश को दिखाता है, क्या सैन्य बल को दिखाता है। शेरशाह ने डैश बड़ी संख्या में निर्माण कराया, तो क्या शेर खां ने सरायों का बड़ी संख्या में निर्माण कराया। अकबर का दरबारी इतिहासकार डैश था, जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी। अकबर का दरबारी कौन था, अबुल फजल था, और उसने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी। पांचवा, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था डैश, यानी ये डैश मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो कौन, तो अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। आइए आगे देखते हैं क्या है, अभ्यास प्रश्न, मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध है। उत्तर है, मनसबदार
मुगल सम्राट के अधिकारियों को कहा जाता था, जबकि जागीरदार सम्राट द्वारा आवंटित जागीर अर्थात निर्धारित लगान वाली भूमि का कर वसूलने वाला होता था। कौन? जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार में संबंध यह है कि निम्न स्तर के मनसबदारों को वेतन मिलता था, जबकि उच्च स्तर के मनसबदारों को अपना खर्च पूरा करने के लिए जागीरें ही प्रदान की जाती थी, जिसे वे जागीरदार भी कहलाते थे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? बिल्कुल, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में यह महत्व है कि यह लड़ाई दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीता। फलस्वरूप भारत में लोदी वंश का शासन समाप्त हुआ और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न तीसरा है, क्या है? मुगल शासन की विशेषता को बताइए और उनमें मनसबदारों की क्या भूमिका थी उसका भी बताने के लिए प्रश्न कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है, इसके उत्तर को देखते हैं। मुगल शासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मुगल सम्राट सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश था। मुगल साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा था, जिसे सूबा कहा जाता था और इसका प्रमुख सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों कार्य देखता था। सूबा सरकार यानी जिलों में विभक्त था, यानी सरकार आज के जिले को सरकार कहा जाता था उस समय, यानी सूबा सरकार में विभक्त था तथा सरकार परगनों आज के प्रखंड यानी सरकार परगनों में विभक्त था। चलिए अगला है, उसके बाद देखते हैं मनसबदारों के बारे में। मुगल सम्राट के अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे, ये बादशाह के सैनिक जिम्मेदारियों को निभाते थे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, और क्या मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? मुगल साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित थे, औरंगजेब की अदूरदर्शिता और शासन नीति, बड़े साम्राज्य को संभालने में अक्षम उत्तराधिकारी, आर्थिक कठिनाइयां, मनसबदारी प्रथा का अक्षम होते जाना, मुगलों की सैनिक क्षमता और शक्ति का कमजोर होते होना, उसके बाद आपको विदेशी आक्रमण, ये मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे। अगला पांचवा प्रश्न क्या है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था? तो भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित कारणों से जरूरी थी। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत भू राजस्व ही था। राज्य के प्रशासनिक खर्च, सैनिक खर्च इसी आय से चलते थे। वेतन आदि के खर्चे भी इसी आय से चलते थे, यानी भू राजस्व ही उनके आय का मूलाधार था, सारा काम उसी से चलता था। अगला है छठा प्रश्न, मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज क्यों कहते थे? आइए उत्तर देखते हैं। मुगलों का मंगोल और तैमूर दोनों वंशों से संबंध था। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी, तो पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज, लेकिन वे अपने को तैमूर के वंशज ही कहा करते थे, क्योंकि उनके महान पूर्वज तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर अधिकार किया था, इसलिए वो अपने आप को तैमूर का वंशज ही कहते थे। इस प्रकार ये इस पाठ के इस प्रश्नों के उत्तर यह रहे, और इससे आपको लाभ हुआ होगा और आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे, और आगे इसी तरह के वीडियोस के लिए पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।